आपकी मुलाकात कराएंगे अवरजीत गुप्ता से, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। कैसे इन्होंने सिफर से लेकर के शिखर तक का सफर तय किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। जीवन में वक्त हर मोड़ पर इम्तिहान लेता है, और इस इम्तिहान में पास केवल वो होते हैं जो परिश्रम करते हैं। अवरजीत गुप्ता के पास कुछ था तो वो उनका परिश्रम। वो जानते थे कि अगर उन्हें कामयाब होना है तो उन्हें खूब परिश्रम करना होगा। पढ़ाई के साथ साथ आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी की। इस काम से आपको अच्छे पैसे मिलने लगे। आप अपनी कमाई से खुश थे लेकिन संतुष्ट नहीं। आपने काफी विचार किया और कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी छोड़ दी। साल 1998 में आपने ये तय किया कि आप LIC के साथ अपना भविष्य संवारेंगे। आज आपको LIC के साथ जुड़े हुए 18 से ज्यादा साल हो चुके हैं। इन 18 सालों में आपने सफलता की हर उस ऊंचाई को छुआ जिसका कभी आपने सपना देखा था। सर, आपका स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह आपने नौकरी शुरुआत करी थी, तो उसके बाद LIC से जुड़ाव कैसे हुआ, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैंने बस 98 में स्टार्ट किया, उसके बाद से मैं धीरे धीरे दो एक साल में नॉर्मल वर्क रहा मेरा, क्योंकि मैं अपने जो असाइनमेंट्स थे उनमें बिजी था। बट जैसे जैसे मैं इनकम मेरी LIC तरफ से अच्छी आने लगी, मैंने उसे वाइंड अप करते चला गया अपने कंप्यूटर वर्क को। एक साल में 100 पॉलिसीज का टारगेट लिया था, तो ऐसा कब लिया था और ऐसा क्या सोच करके लिया था? फाइनेंशियल ईयर 2003-04 में मैंने एक टारगेट लिया, उस टाइम इंश्योरेंस कम होते थे मेरे, कि मुझे 100 पॉलिसीज इस ईयर करनी है। बट मार्च तक मेरा 79 पॉलिसीज थी, 30 मार्च को टारगेट था मेरा, तो मुझे अचीव करना था। अग्रवाल जी के संरक्षण में मैंने उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश की, तो उस दिन मैं 31 मार्च को मैंने ये अपनी बैलेंस पॉलिसीज कंप्लीट की और मैं 100 से कहीं ज़्यादा पॉलिसी उस टाइम की। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे जो हमारी यंग जनरेशन है, क्या वो भी इस प्रोफेशन में आ सकती है? LIC एजेंट के लिए सक्सेस होने के लिए कोई भी युवा एक अपने अंदर एक काम करने की लगन बनाए, इच्छा शक्ति मजबूत रखे और एक अपने टारगेट को पूरा करने का जुनून उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो जुनून है उसके अंदर तो वो अपने LIC के अंदर सक्सेस होता है। जी, एक टारगेट बना के आपको काम करना है, ऑनेस्टी के साथ honesty काम करना है। कस्टमर्स के साथ क्या रिलेशनशिप होने चाहिए? कस्टमर के साथ बिल्कुल एक नॉर्मल रिलेशन होना चाहिए। कस्टमर को बिल्कुल ऐसा समझ के इन्वेस्टमेंट करते समय ये समझिए कि ये पैसा मैं अपना लगा रहा हूँ। अगर आप उसको उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे और कस्टमर आपका हमेशा आपका रहेगा। कोई ऐसी पॉलिसी जो आपको लगता हो कि LIC की बहुत अच्छी पॉलिसी है? LIC की सभी पॉलिसीज बहुत बढ़िया हैं, ऐसा कोई नहीं है कि LIC की कोई पॉलिसी खराब है। बट सर, टाइम टू टाइम LIC की पॉलिसीज कस्टमर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। जिंदगी में एक पहलू है, वो हम कहीं ना कहीं अनिल अग्रवाल जी को मानते हैं, तो उनके बारे में कुछ शब्द, कुछ लाइंस आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल अग्रवाल जी मेरे लिए गॉडफादर के नाम, मेरा वर्क जो उतना भी है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हर जगह, जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ तो उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। चलिए अब मुलाकात करते हैं अनिल अग्रवाल जी। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में हम पहुंचे हैं मेरठ। मेरठ में हमने मुलाकात करी LIC के सफल एजेंट अवरजीत गुप्ता से, साथ ही हमने जाना कि किस तरह से उनके डेवलपमेंट ऑफिसर अनिल अग्रवाल ने उनकी हेल्प करी, उनको एक सीढ़ी दिखाई सफलता की। आइए करते हैं मुलाकात अनिल अग्रवाल जी से। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। तो अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अवरजीत गुप्ता से आपकी मुलाकात कैसे हुई? अवरजीत से मेरी मुलाकात 1998 में हुई। उस टाइम वो बिल्कुल दुबला पतला और शर्मीला व्यक्ति था। जब वो मेरे ऑफिस में आया तो पहली नज़र में मुझे लगा कि ये LIC मार्केटिंग के लिए परफेक्ट पर्सनलिटी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात की तो बात करने में मैंने उनका कॉन्फिडेंस देखा और जीवन में कुछ करने की एक चाह देखी उनकी, तो मुझे लगा शायद ये व्यक्ति LIC के लिए ही बना है। वहाँ से उनका LIC करियर का एक सफर शुरू हुआ। आप गुप्ता जी के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? LIC DO और एजेंट का रिश्ता एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। शिष्य की सफलता में ही एजेंट अपना सपना देखता है, वही रिलेशन मेरा अवरजीत के साथ है। अवरजीत ने 98 में सफर शुरू करके 2003 में उसने LIC के क्लब मेंबरशिप को इनिशियली स्टार्ट किया। पहले वो DM क्लब मेंबर था, 2005 में वो ZM हुआ, 2006 में वो चेयरमैन क्लब मेंबर हुआ और 2012 से MDRT कंटिन्यू कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि
LIC के साथ आप कितने साल से जुड़े हैं और आपका ये सफ़र अभी तक कैसा रहा है? LIC से मैं 1990 में एज ए डोनर जुड़ा था और उसके बाद ये सफ़र आज मेरी रग रग में जो है, मेरे खून में LIC है और मैं देखता हूँ कि आज जो भी कुछ हूँ मैं LIC की वजह से हूँ और LIC ही मेरी पहचान है। जी, गुप्ता जी को जैसे आपने एक हीरे की तलाश करी है, गुप्ता जी को आप हीरा ही मान सकते हैं, LIC के लिए एक हीरा है, डायमंड है, तो ऐसे में आप एजेंट्स का चुनाव किस तरीके से करते हैं? मेहनती और ईमानदार तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन किसी भी काम में सफल होने के लिए आदमी में अपना आत्मविश्वास, जुनून और जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में वही व्यक्ति। इसी तरह से हम एजेंट देखते समय देखते हैं कि किसी व्यक्ति में जीवन में कुछ करने की चाह है, तो LIC एजेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बिना पूंजी का अपार संभावना वाला व्यापार है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई कार्य क्षेत्र की सीमाएं नहीं है, प्लस इनकम को कमाने के लिए कोई सीमाएं नहीं है। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई कानपुर से LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर सुभाष गंगवार से, साथ ही उनके सफल एजेंट्स अक्षय जैन और किशन सिंह चौहान से। इसके बाद हमने आपकी मुलाकात कराई मेरठ से LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर अनिल अग्रवाल और उनके सफल एजेंट अवरजीत गुप्ता से। अगर आप भी इनकी जिंदगी से प्रेरणा लेना चाहते हैं और आप भी बनना चाहते हैं LIC एजेंट, तो उसके लिए आपको किसी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए। तो बस उठाइए अपना मोबाइल और करिए SMS LIC को। टाइप कीजिए एजेंट स्पेस सिटी नेम और भेज दें 5676747474 पर। और आप LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर भी अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको 25 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एग्जाम लेगी, जिसमें सफलता के बाद आप बन पाएंगे LIC एजेंट। और फिर क्या, बस आप खुद तय कीजिए आपको कितना कमाना है और किस तरीके से LIC एजेंट बनकर अपने सपनों को साकार करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।